हाय एवरीवन, मेरा नाम अली रज़ा अरशद है। गाइस, BTC के बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिटकॉइन के बारे में गाइस, मेरी ओपिनियन वही है जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। गाइस, ये डेली टाइम फ्रेम है और ये लॉगरिथमिक स्केल मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। गाइस, एक सिनेरियो मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह बताया था कि यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट करे इस लेवल को, यानी 29,000 से 30,000 के अराउंड एरिया को, इसको रिटेस्ट करे, और अगर यहाँ पे हमें कुछ सपोर्ट नज़र आती है तो हो सकता है यहाँ से प्राइस पे न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। इस और अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन नज़र आती है तो प्राइस दोबारा ड्रॉप कर सकता है यहाँ से, और ये 17,800 या 17,600 का ये जो एरिया है गाइज, यहाँ से भी नीचे जा सकता है गाइज। दूसरा सिनेरियो ये है गाइज कि $21,000 के अराउंड ये जो BTC का प्राइस है, यहाँ पर हमें बुलिश एकोमोडेशन नज़र आए, और अगर इसे मैं 17,600 को सेलिंग क्लाइमेक्स कंसिडर करता हूँ तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक रैली है, ये रिटेस्ट है, उसके बाद फिर एक रैली नज़र आ रही है, और उसके बाद हमें गाइस सेकेंडरी टेस्ट नज़र आ सकता है जो इस सेलिंग क्लाइमेक्स से भी नीचे जा सकता है गाइस, और यहाँ पर हमें हो सकता है कि बुलिश एकोमोडेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आए। यानी जो स्कीमेटिक में आल्ट कॉइंस में नज़र आ रहा है, वही स्कीमेटिक हमें यहाँ पर बॉटम में BTC के प्राइस में नज़र आ सकता है गाइस। लेकिन यहाँ पर गाइस मैं 14,000 या 13,000 या 10,000 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस। जिस तरह अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बेरिश हैं गाइस, इतने लो प्राइसेस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर वेट करते हैं कि BTC ये 23,000 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है और 29,000 या 30,000 के लेवल पर जाता है, या यहीं पर बॉटम में हमें बुलिश एकोमोलेशन नज़र आती है। इस एकोमोलेशन में गाइस प्राइस सेलिंग क्लाइमेक्स से नीचे जा सकता है, और अगर इस प्राइस को मैं आल्ट कॉइंस के साथ मैच करता हूँ तो ये मैच कर रहा है गाइस, क्योंकि अक्सर आल्ट कॉइन्स को पंप लग चुका है 200%, 300%, और अक्सर आल्ट कॉइन 10 गुना भी हो चुके हैं गाइस, 10x तक मूव आ चुकी है अक्सर आल्ट कॉइन्स में गाइस। अब वहां से गाइस आल्ट कॉइन्स में रिट्रेसमेंट आनी है, और यहां पर अगर BTC नीचे आता है तो उन आल्ट कॉइन्स में हमें रिट्रेसमेंट नजर आएगी। अब यहां पर देखते हैं गाइस, वेट करते हैं यहां पर BTC क्या डिसाइड करता है। तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा गाइस, अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।